एक्टिविटी का जो हमें लिमिट है वो हम लोगों ने डेफिनेशन लास्ट क्लास में देख लिया, आज हम लोग उसी पे बेस्ड एक थ्योरम करेंगे। तो आज का जो हमारा थ्योरम है वो है कि टू प्रूव दैट द कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स वाई एट ए बी, मतलब हमें एक पॉइंट दिया गया है ए बी और इसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इम्प्लाइज दैट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एज अ फंक्शन ऑफ वाई एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बट नॉट कन्वर्सिव, मतलब हमें इस एक पॉइंट जो है ये दिया गया है x के लिए एट ए और y के लिए b पे, हमें चेक करना है कि ये क्या है, कंटिन्यूटी को होल्ड करता है या नहीं, और कन्वर्स पार्ट में हमें ये भी दिखाना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं फिर उनको। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन ले लेंगे, सिंस क्योंकि ये दिया है the continuity of fx y at a b, तो मैंने सिंस द फंक्शन fx y इज कंटीन्यूअस, ओके fx y इज कंटीन्यूअस एट ए बी, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हाट वी विल राइट, लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b, और ऐसे लिख सकते हो x y टेंड्स टू a b कॉमन करके और राइट लाइक इन ब्रैकेट x y tends to a b and what we have the function f x y, so this is what f of a, so by the definition I have written here the limit x y tends to a b and this function f x y is equal to what f of a. Okay, so next we have to find the how can we prove that this is x एट ए पॉइंट एक्स के लिए भी कंटिन्यूअस है और एट ए पॉइंट वाई इक्वल्स टू बी के लिए भी कंटिन्यूअस। तो लेते हैं दिस करस्पॉन्ड्स टू, दिस करस्पॉन्ड्स टू, domain of the definition.
f of x1 b, okay, and minus f of x2 b, and this value must be equal to what? तो हम क्या करेंगे, इनको फॉरगेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये x1 b है and this is your x2 b, एक एक करके हम ऐड करेंगे फिर सबट्रैक्ट करेंगे. तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल निकल यहाँ पे ए बी है, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एफ ऑफ ए बी एंड माइनस एफ ऑफ ए बी, सो दिस विल गिव यू द एफ ऑफ एक्स वन बी, एक्स वन बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए बी, ओके, एंड देन वी हैव व्हाट, एफ ऑफ एक्स टू बी, दिस मच एक्स टू बी तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड देन वी हैव माइनस f of x2b. अच्छे से लिख लेते हैं, ऊपर में जगह नहीं हो रहा है. यस हाँ ठीक है, मीटर से लिख दे रहे हैं हम, राइट में Where is it continuous?
y1 एंड देन y2 और फिर इसको सेम अलग प्रोसेस से आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सिमिलरली व्हाट वी हैव नेक्स्ट कल सिखाई का जी क्या होगा बोलिए सिमिलरली वी हैव f ऑफ a कॉमा y1 f ऑफ a कॉमा y2 नॉट एंड दिस मस्ट आल्सो बी लेस देन एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा यदि इस तरह का एक फंक्शन मिलेगा हमें यहां पे फंक्शन मिलेगा जब उसको कंबाइन करेंगे तो फिर सारे इस तरह का फंक्शन में क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और यू कैन राइट लाइक दिस x1 b माइनस और यू कैन राइट लाइक दिस x1 a is x2 this whole portion must be less than epsilon so this function less than epsilon will x minus a less than beta thus f of x is continuous function of one variable x equal to a so if we are going to repeat this process for the y then what we will write we write this as again less than epsilon where x where y minus a less than So next I have a question. Question is let fxy equal to 0 for x equal to 0 or for y equal to 0. Okay. And this is equal to 1. For what? For x not equal to 0 or y not equal to 0. So we have to find out क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट 0 0 पे या नहीं प्रूव करते हैं सबसे पहला काम क्या करना है हमें यहाँ पे लेंगे x 0 तो व्हाट लिखा फर्स्ट वर्स देयर सॉल्यूशन f x y दिया ठीक है हमें क्या करना है पहले हम y को चूज करें मान लो y को हमने चूज किया लिखा हमने यहाँ पे x 0 अगर x 0 है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा सो दिस विल बी व्हाट f x y एट y इज इक्वल टू 0 और जब y में 0 है तो वैल्यू कितना हो रहा है x y में 0 सो दिस वैल्यू इज व्हाट 0 पहले हम लोगों ने देख लिया अब फिर निकालते हैं हम लोग इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं f x 0 माइनस f 0 0 इज इक्वल टू व्हाट
0. So why it is x0 is true for us? Because it is 0 and you can write like this, it is 0. So that this must be equal to 0. And if ये ऐसा हमें मिल जाता है function, तो हम क्या कहेंगे? This is what? Less than epsilon. Okay? कंटिन्यूअस फंक्शन एट कहां पे है कंटिन्यूअस हमारा ऑफ वन वेरिएबल ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूअस हमने पहले दिखा दिया एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑफ वन वेरिएबल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो पे ओके एंड देयरफॉर वी सी दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो पे तो ये हमने शो कर दिया तो जो हमारा थ्योरम था थ्योरम का जो सेकेंड पार्ट था रिवर्स पार्ट तो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस रिवर्स पार्ट वी विल गिव दिस एग्जांपल एंड विल राइट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो क्लियर ना गर्ल्स व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू एड
for the sufficient part this example. Okay, we will prove the sufficient part of that theorem with the help of this example. Any doubt, girls? Okay, so let's do some problem. Okay, let's do some definition. Partial. So, I'll give you the question, girls. You all do it in your home. Okay. I'll give you the WhatsApp. So next, you will write a definition of partial derivatives. और इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे. कैसे? हम लोग लिमिट के साथ में इसको प्रूव करते हैं. तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं. क्या है इसकी डेफिनेशन? तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं. हम लोग क्या लिखते हैं? इफ वी हैव अ लिमिट एस टेंड्स टू 0 एज x plus h comma y minus f of xy divided by h. तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, तो अभी अगर हम लोग जहां जहां पे ये डेफिनेशन को, इस लिमिट को यूज करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई. ओके, एट एक्स इक्वल टू 0. तो क्योंकि ये x के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा एट x. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट एट x, राइट बेटर, विद रिस्पेक्ट टू. ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए हो गया. द सिमिलर थिंग वी कैन राइट व्हेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y. व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट लिमिट k टेंड्स टू 0 एट x कॉमा y प्लस k and then minus fxy divided by k. और अगर ये एक्सिस करता है, then we say that this is the partial derivative of fxy with respect to y. Okay? So let's write the definition properly. So if fxy or f of ab, sorry, write f of ab is any point of the domain of a function u equal to fx y like this, then limit fx plus xy minus f of xy divided by h, okay, is called partial derivative. So you write here is called, is called partial derivative of fxy with respect to x. And कहाँ पे? With respect to x at a. And treating what? Treating y as a constant. And treating y as constant. We all know that when we are going to differentiate partially, then we use but what? Why did the limit exist?
Thank you, girls.